Welcome, dear students of Class 12 Entrepreneurship. Our today's topic is Network Analysis. Network Analysis of Project Completion. This network topic, it is related to various subjects like electronics, physics, medical sciences, engineering, and management. But here we have to discuss network analysis from the management point of view, but the subject concerned is operation research. According to operation research, this network, it is a graphical representation of all activities arranged in a sequential order. It is a symbolic representation of essential characteristics of a project. Let me repeat, network is a graphical representation of all activities arranged in a sequential order. Graphical representation of activities. Let us discuss first what is an activity. An activity is a physically identifiable part of a project which consumes time as well as resources of its execution. Activity में हमें क्या है, यहाँ पर time भी जरूरत है और resources भी जरूरत है, आगे पता चलेगा हमें, यानी कि this revolves around the activities, यानी activities को represent करता है. But arrange it in order, arrange it in a systematic manner, arrange it in sequential order. It is a symbolic representation. A network is a symbolic representation of essential characteristics of the project. Means it is a set of symbols. It is a set of symbols connected with each other. A set of symbols connected with each other with a sequential relationship with each step making a completion of a project. Ek project ko complete karne ke liye ye symbols ka set hai. For example, yahan par jo diagram di gayi hai, ye symbols hai bahut sari yahan par. Ek circles ki symbols hai, arrows ki symbols hai, yahan par ye lines jo hai, ye paths hai, in paths ki symbols hai, aur alphabets ke numbers hai. ये सेट ऑफ सिंबल्स है ये, लेकिन उसके बाद हम थोड़ा सा जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी इसमें क्या है जो ये नेटवर्क के लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ये एरो जो है दिस मीन्स द एक्टिविटी, और जो ऊपर वाला हिस्सा है इस पाथ का, ये लाइन जो है दिस इज द पाथ, एंड ऊपर वाला जो हिस्सा ये डिस्क्रिप्शन है, और नीचे टाइम है. इसमें टाइम की जरूरत है हमें, पाथ यहां पर है और डिस्क्रिप्शन है. ये बाद में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में या आगे जो टॉपिक्स आएंगे उनमें. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी काम है, कटिंग का है या फेंसिंग का है या कोई कोई भी जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, तो उनके लिए जो एक्टिविटी है ये फिजिकली विजिबल होनी चाहिए, आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए, ये आइडेंटिफाई होनी चाहिए. व्हेन एन एक्टिविटी इज फिजिकली आइडेंटिफाइड, वी आइडेंटिफाई एन एक्टिविटी फिजिकली, तो हम कहेंगे इट इज एन एक्टिविटी. उसके बाद जो एक्टिविटी जब हम करते हैं, यहां पर एक्टिविटी के बाद इवेंट है, इसमें दूसरा चीज, इसमें बहुत सारी चीजें हैं. कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट तक पहले एक्टिविटी से स्टार्ट होता है, तो फिर इवेंट आता है. इवेंट क्या है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिगिनिंग एंड फिनिशिंग, बिगिनिंग एंड द एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी कब शुरू होती है और ये एक्टिविटी कब खत्म होगी, प्रोजेक्ट कब हम बनाना स्टार्ट करेंगे और प्रोजेक्ट कब एंड होगा. तो यानी कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक जो ये है, ये इसको हम इवेंट कहते हैं. तो उसके बाद पाथ है, इसमें पाथ क्या है,
unbroken chain of an activity, connecting the initial event to some other event. यानी path जो है वो क्या है, unbroken chain. ये समझो, यहां पर जो हमने chain start की है, यहां पर activity है एक, और फिर ये activity unbroken chain है. Suppose A है ये, फिर B, फिर C. 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to, फिलहाल यहां पर ही 3 to 4 भी है, लेकिन arrows के साथ 3 to 5 भी chain है, ये network chain है. 5 to 6 है, 6 to 7 है, इसी तरह यहां पर 7 to 8 है, तो chain ब्रेक नहीं होती है, अनब्रोकन चेन है, जिसको हम कहते हैं पाथ. उसके बाद नेटवर्क डायग्राम. फिर डायग्राम जिस जो हम बना रहे हैं यहां पर, तो डायग्राम जो है असली में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकली एंड सीक्वेंशियली कनेक्टेड एरोज एंड नोड्स. एरोज जो है ये एरोज है, और ये सर्कल जो है नोड्स है. ये नोड्स और एरोज एक दूसरे के साथ, दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर. तो ये डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन है यहां पर. तो इस ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन जो है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम नेटवर्क डायग्राम कहते हैं. उसके बाद भी और भी इसमें बाकी चीजें आती हैं, प्रेडिसेसर है, सक्सेसर है, डमी है, एरर है. तो इस वक्त हमें हम टॉपिक की तरफ ही जाएंगे, इन चीजों को बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं. लेट्स गो टू द टॉपिक अगेन. देखिए, जो हमने यहां पर पढ़ा कि ये जो नेटवर्क है, सेट ऑफ सिंबल्स, पहले ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि सेट ऑफ सिंबल्स है. जो मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ किस्म की सिंबल्स यहां पर दी गई हैं, तो ये कनेक्टेड विथ ईच अदर होती हैं, लेकिन इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर, विथ अ सीक्वेंशियल रिलेशनशिप विथ ईच अदर, एंड एट ईच स्टेप मेकिंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. ड्यू टू डिले इन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, the cost of project exceeds. अगर project complete होने में delay हो जाएगी, तो obviously cost exceed हो जाएगा. इसलिए हमें network analysis की जरूरत पड़ती है. This network analysis helps us to reduce the cost of the project. Hence, the decision of sequential order of all activities of the project is required. तो सीक्वेंशियल ऑर्डर का जो डिसीजन है, वी आर सपोज टू डिसाइड द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ ऑल एक्टिविटीज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन दिस प्रोजेक्ट. दिस विल हेल्प टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन मिनिमम फाइनेंस टाइम एंड लिमिटेड रिसोर्सेस. देखिए, यहां पर फाइनेंस भी, खर्चा भी, कॉस्ट भी कम, टाइम भी कम, और रिसोर्सेज भी कम हमें यूटिलाइज करने पड़ेंगे. बिल्कुल कम टाइम में, कम खर्चे, कम कॉस्ट में, और कम रिसोर्सेज लग जाएंगे. लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड फाइनेंस में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, अगर हम नेटवर्क एनालिसिस का यूज करते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड द प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. ये जो नेटवर्क एनालिसिस है, इसको हम प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग भी कह सकते हैं. इस नेटवर्क एनालिसिस में इसके हमारे पास टेक्निक्स है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं हमारे पास. There are various techniques of this network analysis. तो जो main mostly used techniques हैं, वो है PERT and CPM. PERT, Program Evaluation Review Technique. CPM, Critical Path Method. इन दोनों को हम next lectures में discuss करेंगे, लेकिन ये दोनों अलग अलग classes लेंगे. PERT के लिए एक अलग क्लास की जरूरत है, और CPM के लिए अलग क्लास की जरूरत है. इन माई नेक्स्ट लेक्चर्स आई विल डिस्कस दीज टेक्निक्स ऑफ नेटवर्क एनालिसिस. यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ द मीनिंग ऑफ दिस नेटवर्क एनालिसिस. स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.